हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टू आवर चैनल बिलियन बिलियन एजुकेशन वी टीच एंड रीच पॉपुलेशन सो गाइस हम कंटिन्यू कर रहे हैं साइकोलॉजी चैप्टर थ्री का आज हम दे, जो पार्ट देखेंगे वो है थ्री पॉइंट फोर so, सो जिन्होंने हमारी पहली की वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके आप वो पहले वीडियो देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपके ओवरऑल खुद के लाइफ के डेवलपमेंट के लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट है ठीक है गाइस तो जो पहली बार आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना अगर आपको पसंद आए तो तो so, स्टार्ट करते हैं प्रस्पेक्टिव वेरियस प्रस्पेक्टिव ऑफ स्टडिंग पर्सनालिटी मतलब क्या हम देखेंगे बहुत सारे थिंकर्स या थिंकर्स बोल लूँ या साइकोलॉजिस्ट बोल लूँ जो आपको बताएंगे कि क्या क्या इंक्लूड करने पे ये पार्ट हो जाएगा किसी की पर्सनालिटी का तो हम थियज रियली में हम देखेंगे तो थियरीज पढ़ने वाले हम लोग ठीक है सो इसके पहले हमने हमने जनरल जनरल चीजें देखी थी इसमें सात सात फैक्टर फैक्टर थे थे किए कि क्या क्या इन जनरल पर्सनैलिटी को शेप करती है तो थियरीज उसी के अराउंड घूमेंगी अब आगे बढ़ते हैं देर आर वेरियस परसपेक्टिव ऑफ स्टडिंग पर्सनैलिटी अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ देम इज गिवन बिलो तो नीचे दिया गया साइको एनालिटिक क्या करते हैं इसमें दिस पर इम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड मैं कितने दिनों से यही बोल रहा हूँ एक्सपीरियंसिस एंड द अनकॉन्शियस माइंड इन दलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी तो इसमें ऐसी चीजें आती हैं जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो अनकॉन्शियस माइंड हमारा कंट्रोल करता है जो जी रियल में हमारे जो बोलते हैं थिंकर्स बोलते हैं वो हमारी माइंड का नाइन्टी परसेंट जो भी रहता है अनकॉन्शियस थिंकिंग रहती है ठीक है अब उसके बाद इसको बोलते हैं साइको अनालिटिक

साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है उसकी ग्रोथ कितनी होती है ठीक है तो दो चीज जो चीजें मैं बोलता हूँ साइकोलॉजिकल चीजें मतलब क्या मेरा कॉन्शियस मिला के वो जो ग्रोथ हो रहा है और एक जो मेरा एक, एक कच्चा माइंड है एक फ्री विल है मेरी जो बोलते हैं ना एक बेबी है जो ग्रो होके एडल्ट बनता है ना उस टाइप का बेबी जो भी रहे एकदम रॉ तो ये दोनों को क्लब करेंगे तो आप किसी की पर्सनालिटी को पहचान जाएंगे ठीक है अब ट्रेट, ट्रेट मतलब क्या? कि कुछ हम लोग बोलते हैं ना खूबियां खूबियां कि, किसी के अंदर क्या खूबी है या क्या कमी है जो बहुत दिख के आती है दिस पर्सपेक्टिव एवरी इंडिविजुअल स्पेसिफिक ट्रेट इन द डिफरेंट क्वांटिटीज एंड सो एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी समझिए गुस्सा हो गया एक डिसिप्लिन हो गया एक और फिर शांत रहने वाला हो गया और एक हंसने वाला हो गया तो सब में ये सब रहेंगे किसी किसी में जो गुस्सा करने वाला है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट है और चीजें भी हैं लेकिन ये फिफ्टी परसेंट बाकी सब टेन टेन ऐसे मिला के हैं। तो वो बातें हो रही हैं आगे हम पढ़ेंगे इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको देते जा रहा हूँ Perspective. Perspective physique, तो ना, ये मेरे टाइप का बंदा नहीं है मेरे टाइप की बंदी नहीं है तो जो टाइप बोलते हैं टाइप कास्टिंग जो बोलते हैं और ये जनरली इतना अच्छा भी नहीं होता लेकिन रहता है जैसे कि अगर जो देखिए ऊपर वाले चीज को 50 परसेंट डॉमिनेट हो तो इनका क्या टाइप हो जाता है इनका एक खुद का टाइप होता है कि गुस्सीला इंसान है लेकिन आप इसी के बेसिस कंप्लीट जज नहीं कर सकते क्योंकि उनके और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं आगे चलते हैं हम रियल में थिंकर्स के बारे में जानेंगे और एक है सोशल कॉग्नेटिव पर्सपेक्टिव दिस पर्सपेक्टिव परसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड कॉग्निटिव जो सोच समझ के जैसे कि अनकॉन्शियस था तो सोचता नहीं था प्रोसेस इन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो देखिए सब कोई वही बात करे लेकिन ये थॉट डोमिनेट ज्यादा करता है इसमें इस पर्सपेक्टिव में क्या समझिए ये मैं हूँ ये मेरा आगे बाजू का इन्वायरमेंट है जहाँ भी रहता हूँ वो सब चीज़ें हैं मेरे घर वाले सब कुछ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही है कि मेरे अंदर से क्या है मैं कैसे हूँ बहुत सारी चीज़ें बाहर से इन्फ्लुएंस होती हैं तो इसको बोलते हैं सोशल कॉग्नेटिव और मैं उसका ध्यान मुझे पता चलते जा रहा है ठीक है अगर इसी को मैं फ्री विल से जोड़ दूँ तो मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ चीज़ों को एनालाइज करने को रेडी हूँ ये सब बातें ठीक है अब कार्ल जंग थीरी ऑफ पर्सनैलिटी बड़ा ब्यूटीफुल सा थिंकिंग काइंड ऑफ फोटो दिखाया कार्ल जंग का ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कार्ल जंग थियरी ऑफ पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द पर्सनैलिटी थियरी ऑन द टाइप पर्स्पेक्टिव ठीक है कार्ल जंग कौन से टाइप ये दिल्ली में बहुत यूज होता है लैंग्वेज की मेरे टाइप की नहीं है मेरे टाइप का नहीं है ऐसा दिल्ली की लैंग्वेज बहुत यूज होता है कार्ल कालजंग स्विस साइकेट्रिस्ट स्विस मतलब स्विट्जरलैंड जो एक यूरोप की कंट्री है जहां के चॉकलेट बहुत फेमस है ठीक है और सबका एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है स्विट्जरलैंड जाना बेस्ड क्लासिफाइड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उन्होंने दो टाइप में किया था इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट सो देखिए हम भी अपनी लाइफ में यूज करते हैं ये सब चीजें पहले ये सब पांच साल छह साल पहले ये जनरल लैंग्वेज का पार्ट नहीं था लेकिन सोशल मीडिया और ग्रोथ होते सबको ये सब चीजें पता चलने मतलब अच्छी चीजें क्योंकि ये सब ट्रेंडिंग चीजें हर जगह फेमस है हमको नहीं पता थी तो ये था तो हमें इस, हमें इस, इस, इस चीज़ों को कैसे बोलते थे कोई इंसान अपने फीलिंग्स को दबा रहा है कोई बहुत दिखाता है तो वही वह है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट क्या होता है इंट्रोवर्ट इंडिविजुअल टेंस टू लुक विद इन दमसेल्फ फॉर स्टिमुलेशन सो so, ये सब लोग बोलते हैं ना कि बातें नहीं बोलने वाला अब बातें छुपाने वाला तो इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इंट्रोवर्ट एक्सवर्ड लेकिन यहाँ पे थोड़ी डीप मीनिंग है ये क्या कि ए इंसान करेक्शन के लिए खुद के अंदर देखता है बाहरी दुनिया की तरफ नहीं जाता मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो बाहर से आपको सिर्फ बोलते हैं ना आपकी चिंगारी आपके अंदर रहनी चाहिए अगर ये चिंगारी आपके अंदर जो मोटिवेशन बाहर से कोई पर्सन दे रहा तो ये आग बना सकता है इसे तो वो काम होता है अदरवाइज बट यू शुड हैव दैट चिंगारी सो so, वही चीज है तो ये लोग क्या करते हैं हमेशा अपने अंदर देखते हैं अपने अंदर क्वेश्चन करते हैं अपने अंदर झांकते हैं हम कहीं ना कहीं पिक्चरों में बोले रहकर खुद के अंतरात्मा में देखो तो वही चीज है ये लोग देखते रहते हैं हमेशा मोस्टली दे आर शाय एंड रिजर्व रिजर्व मतलब शायद शर्मिले रहेंगे और रिजर्व रहेंगे ज्यादा बोलेंगे उठेंगे नहीं और ज्यादा बॉडीली एक्टिविटी नहीं करते दे प्रिफर टू वर्क अलोन एंड अवॉइड सोशल कॉन्टेक्ट तो ये क्या हुआ इनका सोशल इंटेलिजेंस जो हमने इंटेलिजेंस चैप्टर से पढ़ा था सोशल इंटेलिजेंस है? अब ये नहीं बोल सकते हैं। लोग की जैसे कि अभी इंसान से बात करता हूं एकदम प्यार से बात करता हो तो वो है। लेकिन सोशल इंटेलिजेंस के बहुत सारे पार्ट है कि वो हर लोगों से बात करता है तो ये हर लोग से बात नहीं करता इसलिए लोग बोल रहे हैं और कुछ नहीं कि अच्छा या बुरा ये नहीं हम लोग डिसाइड कर रहे हैं एक्स्ट्रो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन मैंने बोला अबे तो वो तुबे चुबे क्या क्या बोल देते हैं तो ऐसे करके वो हमेशा एक पॉइंट दो बाहर से कुछ भी वो एकदम लग जाते हैं और ये क्या रहते हैं हमेशा एक्सटर्नल स्टिमुलेशन पे बाहर से आने चीजों पर रिएक्ट करते हैं हमेशा दे आर सोशल आउट गोइंग मिक्स इजिली विथ अदर्स एंड प्रीफर जॉब्स दैट ब्रिंग देम इन कॉन्टेक्ट विथ अदर्स सो ये ऐसे लोग जरूरत है जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे साइंटिस्ट लोग का सोशल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा नहीं होता तो आप ऐसे नहीं सोच सकते इंट्रोवर्ट कह नहीं सकते जबकि साइंटिस्ट जो भी इन आप आइंस्टाइन के बारे में जानते होंगे अगर सुनेंगे तो वो इंट्रोवर्ट काइंड कहेंट ज़्यादा शाय थे वो पार्टी करना पसंद नहीं करते थे ठीक है वहीं पे हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट या नेता लोग हैं वो सबसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उनका दाल भी उसी से गलता है तो वो सच्ची चीजें ठीक है।, है अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन रियल लाइफ यू फाइंड दैट नो वन इज आई दम्पलीटली एन इंट्रोवर्ट और कंप्लीटली एन एक्सट्रोवर्ट कोई भी नहीं होता मोस्ट ऑफ अस आर एम बी वर्ड मिक्स एम बी मतलब दोनों समझे यही मैं बोलना चाह रहा था कि ये इंसान जो इंट्रोवर्ट का किसी ना किसी से तो बात करता ही है ना तो कम, जब जो कोई अंदर और उनकी बातें सुनता होगा तो ये तो हमने चेंज ही कर दिया ना इंट्रोवर्ट का क्या था? जो खुद का सुनता है खुद का करता है लेकिन ये बाहर से सुन रहा है बात कर रहे हैं तो ये तो एक्स्ट्रो के इसमें आ गया पॉइंट में तो इसलिए बोलते हैं सब लोग एमबी वन एम बी वर्ड है तो ज्यादा अगर यहां पर समझे कोई यहाँ पे तो इंट्रोवर्ड ज्यादा है लेकिन कभी बाहर निकलता है और यह क्या है इतना भी एक्स्ट्रोवर्ड नहीं इतना नहीं फेंक देता है कुछ भी लेकिन क्या है इंट्रोवर्ट बीच कहीं कहीं चुप भी रहता है कहीं जाके खुद को भी घर में अकेले भी रहता है कोई एकदम बीच में जहां चाहिए वहां पे बोल न, बोलता है या बोलती है जहां पे नहीं चाहिए वहां पे चुप रहने में ज्यादा प्रीफर करते हैं तो ये बैलेंस्ड हो गया तो आपको कहीं भी कोई भी कंट्री में कहीं भी हो सकते हो ये नहीं सोचना कि एकदम परफेक्ट परफेक्ट वाला पर्फेक्ट वाला होता ही नहीं है एन एम बी वर्ट इंडिविजुअल हैज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेड्स ऑफ इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन दोनों रहते हैं उसके लिए अभी एल्पोर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं ठीक है थीके? स्वीट से लिखने वाले हैं ये एलपोर्ट थियरी ऑफ वन ऑफ द पर्सनलिटी बेस्ड ऑन द ट्रेड टू ट्रेड मतलब क्या बोला था खूबी मैंने बोला था ना इसे कैसे अलग वर्ड से बोलूं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं बोल के बताता आपको लेकिन खूबियां बोलते हैं उनकी कमियां और खूबियां मतलब क्या बेहतरीन है क्या खराब है गॉर्डन एल्पोर्ट नॉट राम से अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड एटीन थाउजेंड टर्म्स विच कुड बी यूज टू डिस्क्राइब पर्सनालिटी बाप रे बाप इसे बोलते हैं ट्रू रिसर्च 18000 टर्म बता दिए थे कि ये सब ये सब ये सब ये सब से डिसाइड होता है कि पर्सनालिटी क्या है बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिप्शन ही सजेस्टेड द फॉलोइंग थ्री बेसिक कैटेगरीज़ ऑफ द ट्रेड्स तीन कैटेगरी ट्रेड्स के बताए और ये सब के अंदर होती है समझ रहे हैं आप लोग ये नहीं हम लोग इसे वन टू थ्री आगे हम पढ़ेंगे तो ये नहीं कि किसी मैं अगर हूं तो मेरे में सिर्फ फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला थर्ड वाला मेरे अंदर तीनों है ठीक है तो वो हम देखेंगे आगे और ये तीनों के बाद इन्होंने तीनों में इंक्लूड किया था ऐसे अठारह हजार चीजें हैं जिससे ये सब डिसाइड हो समझ गए आप लोग अभी ट्रेट इज रिलेटिवली एंड्योरिंग एंड कंसिस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिंग सोचना फील करना और करना So, ये क्या है जो बहुत सालों से वही चीज फॉलो कर रहा है ठीक है अपने हर एक दिमाग में सोच में और फीलिंग में भी दैट मीन अ ट्रेड इज कंसिस्टेंटली फाउंड इन एन इंडिविजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये हमेशा जिंदगी के बहुत सारे मुकाम पे आप वो ट्रेड पाओगे एक इंसान के अंदर तो पहला है कार्डिनल कार्डिनल तो जैसा कि आप लोग कार्डिनल वर्ड की अगर मीनिंग जानते होंगे तो इसका होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट किसी भी चीज का मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाला ठीक है वो वाली चीज है इट इज अगल ट्रेड डोमिनेट करता है पर्सन बिकम्स नोन स्पेसिफिकली फॉर हिज ट्रेड आज की दुनिया में जो पर्सन जाना जाता है वो इसी ट्रेड से जाना जाता है जैसे कि मैं बताता हूँ सिंपल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ समझिए कोई पर्सन है ठीक है अब इनकी जो कार्डिनल टेस्ट ट्रेड है वो बहुत हमेशा दिख जाती है इजीली विजिबल है और वो बहुत सालों से फॉलो भी कर रहे हैं या कर रही हैं लेकिन इनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो दिखती नहीं हैं ये जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग समझिए आज दिन में रात को या कभी और सिचुएशन में ये मुंबई में अलग बिहेव करती हैं महाराष्ट्र के बाहर जाती हैं जैसे कि बेंगलुरु में तो अलग बिहेव करती हैं फिर अगर वहीं ठंडी वाली जगह पे जाएं तो बहुत अलग बिहेव करती हैं फिर उसके बाद रात को सोते समय अगर कुछ झगड़ा हो जाए तो क्या करती हैं या फिर सुबह खुश हैं तो क्या करती हैं ये सब चीजें पर्सनैलिटी का पार्ट होता है ये सब ऐसे हजार रीजन जो बोलते हैं ना अठारह सौ अठारह हजार चीजें बताई थी उन्होंने तो इसमें से जो मेजर है कि हम लोग अगर देखो भाई ट्वेंटी फोर बाय सेवन इंसान के बारे में कोई मिलता है तो कोई एक बताए कि भाई बंदा है बंदी कैसा है तो बोलते हैं यार गुस्से वाला है लेकिन ठीक है गुस्से वाला नहीं दोस्त बोलते अरे गुस्से वाला प्रोफेसर है लेकिन अगर काम अच्छे से कराओगे ना तो हेल्प भी करते हैं और फिर नोट्स भी दे देंगे तुमको लेकिन रात को फ़ोन मत करना नाइट में वो कभी फ़ोन नहीं उठाएंगे या उठाएंगे उसके बाद सर को जो रहता है वो जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है जैसे होता है तो कांटेक्ट नहीं ज़्यादा रहते नहीं है या रहती नहीं है वो मैम ठीक है तो ऐसा ये सब चीज़ें तो कितने सारे पर्सनालिटी बता पर्सनालिटी क्या आप लोग अभी तक पता है कि मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन अभी फिर से आप लोग कई बार से बोलना पर्सनैलिटी मतलब एक चीज जैसे तो ये से बोलते हैं ना तो उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमेशा वैलिड रहेगा कि हाँ फर्स्ट लेक्चर में गुस्से थे सर तो भड़क तो जाने वाले हैं या भड़क जाएंगे मैम तो गुस्सा तो वो कार्डिनल ट्रेट हुआ इट डोमिनेट्स एंड शेप पर्सन बिहेवियर फॉर देयर होल लाइफ ठीक है सब लोग बोलेंगे कि गुस्सा नहीं करता मतलब पच्चीस तीस की उम्र तक गुस्सा करते हैं उसका एकदम शांत हो गए जी जो शांत नहीं होते वो टाल देते हैं कंट्रोल कर लिए हैं या कर ली हैं वो अभी भी जैसे मिलिट्री से रिटायर्ड पर्सन मैं नहीं बोलता गुस्सा करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन रहते हैं तो ये नहीं है कि अगर वो बुड्ढे होने तो डांटना कम कर सीधा नारा जाएंगे कम रिएक्ट करेंगे लेकिन जब रिएक्ट करेंगे तो बहुत तेज रिएक्ट करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल ट्रेट ऑफ ट्रुथफुलनेस वॉज अ कार्डिनल ट्रेड इन महात्मा गांधी पर्सनैलिटी ठीक है महात्मा गांधी की सबसे बड़ी ट्रेड क्या थी सच बोलना और अहिंसा नॉन वायलेंस ठीक है सिमिलरली अ ट्रेट ऑफ ह्यूमैनिटेरियजम लोगों की भलाई करना वॉज अ कार्डिनल ट्रेट इन मदर टेरेसाज पर्सनैलिटी तो देखिए अगर जो लोग अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं अब आर्ग्यूमेंट चालू हो जाएंगे आपके दिमाग में दैट्स अ गुड थिंग बेस्ट थिंग बेस्ट थिंग तो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि महात्मा गांधी कहाँ सच या का इंसान मतलब हमेशा थोड़ी ऐसा हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ बातें बताते नहीं थे तो सच कैसे है सच का मतलब क्या ये सब चीजें आप ये सब डिबेट का पॉइंट है अगर आप ये अपने मन में कर पा रहे हैं तो वेरी गुड आप आप सोच रहे हैं किसी भी चीज को अगर समय पढ़ाता भी या कोई आपको मैम सिखा भी रही है तो आप उसे अगर क्वेश्चन करते हो सोचते रहते हो तो आप बहुत ब्रिलियंटली वर्क कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आपको ये नहीं मानना कंप्लीट ट्रूथ है जी हाँ जो आप सोच रहे हैं, वो सही हो सकता है कि ये ये थियरी है इनकी थियोरी है अब मैंने बताया कि एक होल्सम पढ़ने के बाद हमको पर्टिकुलर थियरी मालूम पड़ता है ऐसा नहीं है कि एक ही थियरी सिर्फ कार्डिनल ट्रेड की थियरी मालूम पड़ती है जो मैंने बताया ना एक्सेप्शन बता रहा था आर्मी पर्सन जब रिटायर हुए तो घर पर आगे सबको डांट देते हैं फिर कंट्रोल भी तो किए और एंड में आते आते जैसे कुछ हुआ तो अपने बीबी बच्चों के साथ जब रहे प्लस अपने बेटे बेटी के साथ रहे तो इमोशनल थे थोड़े थो, से शांत होते गए तो कहाँ लाइफ लॉन्ग मतलब ऐसा रहता है एक्सेप्शन आर ऑलवेज वैलिड लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है और ट्रेड के बारे में जान के रखना है ट्रेड की तैयारी एलपोर्ट की थी कार्डिनल ट्रेड हम पढ़ रहे हैं जो सबसे सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है और उसी सब डिसाइड होता है जैसे कि जब हम किसी इंसान को बोलें कि ये ऐसी है या वैसा है तो हम लोग उसके कार्डिनल ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं A trait of ambition was cardinal trait in Napoleon, Bonaparte, France ruler. The. Hoga aap already. And power was the cardinal trait of Julius Caesar, the king personality. ठीके? central trait? On the second pe. cardinal is central. These traits are general characteristics that form the basic foundation of personality of an individual.

िटी सेल्फ कॉन्फिडेंस डिलीजेंस एंड ऑनेस्टी सेंट्रल ट्रेड्स बाय एन इंडिविजुअल समझिए अगर कोई इंसान गुस्सा बार बार होता है तो बहुत सेंसिटिव हो सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए दूसरों को डांट रहा क्योंकि वो उनको लग रहा है सही है ठीक है सोशबिलिटी मतलब दस पंद्रह लोगों से मिलके आए वो तो उनको पता है दुनिया कैसे चल रही है ऑनेस्टी है कि अपने काम में ऑनेस्टी रखो ठीक है तो ये सब चीजें उनको देख के उनका एक गुस्से वाला एंग्री पर्सन का जो कार्डिनल ट्रेट है तो ये ट्रेट है जिससे पूरी ओवरऑल बॉडी का पर्सनालिटी बनता है ये ट्रेट्स ऐसे हैं तो समझ गए सेंट्रल ट्रेट के अंदर ये ट्रेट जिससे मेरी बॉडी की चीजें तो मेन कोर वाला इसको ऐसे बताना चाहिए मुझे देखिए ये, ये कोई सर्कल है ये मेरा कार्डिनल ट्रेट जो लोगों को दिखता है लेकिन ये जो अंदर वाला ट्रेट है वो जो चीजें जिससे मैं ये दिखा रहा हूं उसे बोलेंगे सेंट्रल ट्रेट है सेकेंडरी ट्रेट अपियर ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन देखिए कुछ कुछ सिचुएशन में दिखाई देता है लेकिन यह बड़ा नहीं होता है बहुत आर नैरोक्ट फिर भी इसके बाद भी कौन रहेगा ये भी सेकेंडरी ट्रेड है जो भी अपियर हो रहा है उसके अंदर कौन रहेगा इसके लिए भी सेकेंडरी ट्रेड के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल ट्रेड कार्डिनल ट्रेड के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल ट्रेड सेंट्रल ट्रेड वेरी माइनर रोल इन डिटरमाइनिंग दर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल बिकॉज सच ट्रेडुएशनल देखिए बताता हूँ कोई एक बार नहीं मेरे एक फ्रेंड थे वो बोलते थे कि तुम किसी को पहले बार पहली नजर में कैसे जज कर सकते हो यार सही बात थी ट्रू चीजें थी क्योंकि मैं सेकेंडरी ट्रेड के ऊपर से किसी की पर्सनैलिटी जज कर रहा था कार्डिनल ट्रेड पता कर रहा था उसका एक्चुअली कितना बड़ा मिस्टेक कर रहा था मैं लाइफ में कि कोई आया मुझसे सिर्फ दो मिनट बात किया तो अच्छा या बुरा मैं डिसाइड कर रहा था तो वो रियल में वो छोटे थे बहुत कम टाइम के लिए उसने अपना बिहेवियर दिखाया था कार्डिनल ट्रेड तो अलग होता है ना कि डोमिनेटिंग चीज़ जो हर बार वही करते हैं तो मालूम पड़ा कनिंग लड़का या लड़की थी ठीक है तो ऐसा बाद में मालूम पड़ता है फॉर एग्जाम्पल गेटिंग एंशियस वेन स्पीकिंग टू अ ग्रुप तो अचानक से आप वैसे लोगों में बोल सकते हैं लेकिन जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी फाइल देते प्रे� हो अचानक से कॉन्शियस जाते हैं ठीक है तो ये पर्सनैलिटी का की होता है तो ये देखिए इसको हम लोग ओवरकम कर लेते हैं क्योंकि सेंट्रल ट्रेड पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं बार बार ट्रेनिंग करते करते हम लोग आ जाते हैं हाथ पर हिलाते रहते तो चिल्लाने वाले कि यार बीच में मजबूत रहते हैं इमपेशन इंडिविजुअल ठीक है ये सब थे तो हमने, हमने देखा कार्डिनल सेंट्रल एंड सेकेंडरी तो ये हमारे हो जाते हैं गाइज अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो है बिग फाइव फैक्टर्स ऑफ बिग फाइव फैक्टर्स मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ओशियन मॉडल ये हम लोग करेंगे गाइज नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही है गाइज तो प्लीज आप लाइक करिए अपना सपोर्ट दिखाइए हमें इसे शेयर करिए दोस्तों मैं नो no डाउट आप लोग से मैं ज्यादा डिमांड कर रहा हूँ कुछ लोग बेहतरीन करके दिखा रहे हैं ये मुझे बोलना जरूरी है गाइज आप लोग भी सुन सुन के बोर हो गएंगे बट बिकॉज वी आर नॉट दैट भी हमारी हमारी जो एम्बिशन है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है और हम उतने कोर्स दे सकते हैं आपको इसलिए बार बार आप लोग को हम लोग बोलते रहते हैं कि प्लीज इसे शेयर करिए अदरवाइज़ आप लोग बहुत हेल्प ऑलरेडी कर चुके हैं इस कोर्स को तो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो गाइज मिलते हैं हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड